मैं डिसेबल्ड ना होती तो शायद मेरे अंदर ये एहसास ना होता खिदमत खल्क का। हम चार बहन भाई हैं, हम चारों को सेम डिजीज है और मैं थर्ड नंबर पे हूँ। दो भाई मुझसे बड़े और एक मुझसे छोटा है। मेरे लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं था। एक टाइम ये था कि जब मेरे बड़े भाई कहते थे मैं व्हील चेयर पे नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा, लेकिन फिर वो व्हील चेयर पे बैठे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। पेरेंट्स को डॉक्टर्स ने ये कह दिया था आप और बच्चे नहीं पैदा करें, आपके हर बच्चे में ये बीमारी होगी और इनकी उम्र 20 साल तक है, बस आप इन्हें घर ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूँ रुकैया नईम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ I-10 के एक घर के सामने, जहाँ आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एक ऐसे कपल से जिनमें बेपनाह मोहब्बत है। जी, आशा डिसेबल है और उनके हस्बैंड एक नॉर्मल शख्स हैं, लेकिन दोनों में बेपनाह मोहब्बत है और ऐसा कोई काम नहीं है जो वो मिलके ना करते हों। तो ये मोहब्बत की दास्तान कैसे शुरू हुई, एक डिसेबल और एक जो नॉर्मल शख्स है वो किस तरह से अपने शबो रोज़ गुजारते हैं और किस तरह से वो अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं, आज हम सब ये जानेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अच्छा आशा, ये बताइएगा डिसेबिलिटी के साथ आपने अपने ख्वाबों को पूरा किया, ये सफ़र कब और कैसे शुरू किया, थोड़ी सी हमें अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपका और साफ का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया और आप यहाँ आए मेरे घर। और डिसेबिलिटी का थोड़ा सा मैं बताती चलूँ, मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और ये बाय बर्थ नहीं थी। मैं जब पैदा हुई पैदाइशी तौर पे मैं बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्ड थी, आप बच्चों की तरह जैसे आपके बच्चे भागते दौड़ते खेलते हैं वैसे ही मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं 14 इयर्स की हुई तो मेरे लिए चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो गई और ये एक डिसेबिलिटी जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं और अगर आसान उर्दू लगत में कहा जाए तो पट्ठों की कमज़ोरी जो है वो स्टार्ट हो गई। फिर स्टार्टिंग में मेरे लिए चलना और चलते चलते गिर जाना और फिर नीचे से जब ज़मीन पे गिर गए तो वहाँ से उठना मुश्किल होता चला गया। और जब मैं थोड़ी और बड़ी होती गई, क्योंकि एज के साथ साथ मेरी बीमारी जो है वो बढ़ रही थी, इवन कि मैट्रिक तक मेरी बीमारी इतनी सवेर हो चुकी थी कि मैं अपना बैग उठा के नहीं चल सकती थी, सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था, मुझे सपोर्ट चाहिए थी मूव करने के लिए। और मुझे व्हील चेयर पर आए हुए फुली तौर पर 5 से 6 साल हो गए हैं। और सक्सेसफुल ज़िंदगी वो मैं अपनी डिसेबिलिटी को गॉड गिफ्ट कहती हूँ कि ये मुझे दूसरों से डिफरेंट करती है। उसके साथ साथ मेरी अचीवमेंट्स शायद मेरी डिसेबिलिटी की वजह से हैं। अगर मैं डिसेबल्ड ना होती तो शायद मैं मेरे अंदर ये एहसास ना होता खिदमत खल्क का या इंसानियत को सर्व करने का। तो मेरी डिसेबिलिटी की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक जो भी मिला है वो इसकी वजह से मिला है। अच्छा मैं यहाँ पे बताऊँ, हम चार बहन भाई हैं, हम चारों को सेम डिज़ीज़ है और मैं थर्ड नंबर पे हूँ। दो भाई मुझसे बड़े हैं और एक मुझसे छोटा है। तो क्योंकि जेनेटिक इशू है, बड़े भाइयों में था तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने कैसे अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया है और वो कैसे उसके साथ अपनी एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। तो मेरे लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं था। एक टाइम ये था कि जब मेरे बड़े भाई कहते थे मैं व्हील चेयर पर नहीं, मैं मर जाऊँगा, मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठूँगा, लेकिन फिर वो व्हील चेयर पर बैठे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो फिर मुझे भी यही लगा कि अगर फ्यूचर में भी मेरे इसके ऊपर जोर नहीं है, मेरा बस नहीं चलना, मैंने व्हील चेयर पर आना ही है, तो मेरे भाई ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्यों नहीं। मैं अपने भाई से ज़्यादा ना खूबसूरत हूँ, ना बड़ी हूँ, ना समझदार हूँ, मैंने तो उनसे सीखा है। तो मुझ में मायूसी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं थी। हाँ थक जाता है बंदा दूसरों से हेल्प ले ले के, क्योंकि हर कदम पे अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो जो बंदा आपको हेल्प आउट भी करे वो भी थक जाता है कि यार क्या मुसीबत है। तो ऐसी चीज़ें आई, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसको भी पॉजिटिव ले के सब्र और शुक्र से अपनी लाइफ स्पेंड की। जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके चारों बहन भाइयों में ये बीमारी है, तो इसके इलाज की तरफ नहीं गए या इलाज इसका है नहीं? नहीं, इसका इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे अब गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो उनके प्लेटफॉर्म से हमें था कि हम ट्रीटमेंट करवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक हमारा ट्राई किया है, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वालदैन जिसके चारों बच्चे डिसेबल हों, तो उन्होंने आपको किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से आपको करेज करते थे?
मेरे डॉक्टर्स को, मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि आप जो है मतलब और बच्चे नहीं पैदा करें, आपके हर बच्चे में ये बीमारी होगी और इनकी उम्र 20 साल तक है, बस आप इन्हें घर ले जाएं, अच्छा खिलाएं पिलाएं और बस 20 साल तक इनकी एज है, इस बीमारी में एज लिमिट ये होती है। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने कभी हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया, उन्होंने कभी ये बात अपने जहन में नहीं लाई कि मतलब 20 साल तक की एज है। उन्होंने हमारी स्टडीज़ पे फोकस किया, हमें हमेशा मोटिवेट किया कि पढ़ो, ज़िंदगी और मौत हर इंसान को आनी है, लेकिन जितनी लाइफ है अच्छे से पढ़ो गुजारो और मतलब पॉजिटिव रहे। पॉजिटिविटी पेरेंट्स से ही औलाद में आती है और मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव थे, मोटिवेटेड थे कि बीमारी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मेरी अम्मी का ख़ास तौर पे था कि मैं अपने बच्चों को किसी से पीछे या कमतर नहीं देखूंगी, तो उन्होंने ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा आशा, अगर आपकी तालीम की बात की जाए तो हमें अपनी एजुकेशन के हवाले से बताएं। जी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकोलॉजी में और लाइब्रेरी साइंसेज में, उसके अलावा फिर मैंने मास्टर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में और मैं हमेशा नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ी हूँ। तो क्या मुश्किलात कभी पेश आई? डेफिनेटली मुश्किलात तो आप कह लें कि अगर एक नॉर्मल लड़की फील्ड में निकलती है या स्टडीज़ के लिए निकलती है तो उनको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन बीइंग अ डिसेबल पर्सन मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लाइक जो मेरे कॉलेज फेलोज थे उनको मुझे एक्सेप्ट करना, क्योंकि 3-4 हज़ार के स्टूडेंट में एक बंदा डिसेबल हो तो चीज़ें उसके मुताबिक नहीं होती, तो मैं और उनके लिए मैं एक अजूबा और एक अजीब व गरीब चीज़ थी कि यार ये इतनी मुश्किल से स्टिक हाथ में लिए हुए, बैग भी अपना कैरी नहीं कर सकती, तो ये क्या करेगी, पढ़ के सिलाई सीख लो, मतलब इस तरह की मुझे टॉन्ट करना। फिर मेरे हाथ में जो स्टिक होती थी वो एक स्पेसिफिक थी, उसके 4 पाँव थे और मतलब मैं उस पर अपना वज़न डाल सकूँ ना। फिर पूछना ये लैब की कोई चीज़ उठा के ले आई हो, ये क्या है, ना पढ़ो, तुम तो अपने माँ बाप के पैसों का ज़िया कर रही हो, ख़ुद को भी अज़ियत दे रही हो, तो तुम घर बैठो, तुमने कौन सा पढ़ के तीर मार लेने। और मैं ये यहाँ पे ये भी क्लियर करती चलूँ, जहाँ पे मुझे डीमोटिवेट किया जा रहा था वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ ऐसी फेलोज़ और मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मिले कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी नहीं मुझे फ़ील होने दिया, मुझे हेल्प आउट की क्लासेस में लेके जाने के लिए, मेरी क्लासेस एक कॉरिडोर में कर दी कि मैं बार बार एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकूं। तो नेगेटिव एटीट्यूड्स फेस करने पड़ते हैं, होते हैं, लेकिन अगर आप उन नेगेटिव बिहेवियर्स को भी पॉजिटिविटी के साथ लो तो आई थिंक ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं लगती। अच्छा आशा, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई हुई है डिसेबल पर्सन के लिए, आप काम भी कर रही हैं, ये सफ़र आपने कब शुरू किया? दिया जो है बेसिकली 7-8 साल पहले हमने स्टार्ट की थी, लेकिन वो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट की थी, लोगों को मोटिवेट करना। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब लोगों को पता चला कि ये कुछ दे रही है, इससे हमें कुछ मिलना है, तो बहुत सारे मेरे पास केसेस आए जिसमें कुछ यतीम बच्चियों की शादियों का भी आया कि 5-5, 6-6 साल से उनकी एंगेजमेंट हुई हुई है या निकाह हुआ हुआ है, लेकिन माएँ जो हैं वो रुखसती नहीं कर पा रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से जहेज दें या लड़के वालों को जो भी खाना पीना जो भी रिफ़्रेशमेंट है वो कहाँ से दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 से 10 लड़कियों की मैंने वो शादियाँ भी करवाई जिसमें प्रॉपर उनको जहेज दिया गया, एक उनकी अच्छी खासी मतलब जिसको कहते हैं ना शादी हुई। इसमें जो देने वाले थे उनको भी नहीं पता था मैं कौन हूँ, जो जिनको आगे मैं डिलीवर करी थी उनको भी नहीं पता था मैं कौन हूँ, वो कौन है, और उनको मतलब मैं तो वेरीफाई कर लेती थी लेकिन उनको मेरा नहीं पता था और देने वालों को भी मेरा नहीं पता था कि हम किसको दे रहे हैं या कहाँ जा रहा है, मतलब इतना ट्रस्ट लेवल लोगों का मुझ पर हो चुका था। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा हमने लोगों को फैसिलिटेट किया। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो फिर हमें ख्याल आया, ग्रुप बनता गया और फिर ख्याल आया कि इस ग्रुप का कोई नाम रखा जाए, तो फिर हमने उसका नाम दिया रखा, फिर प्रॉपर उसका ऑफिस बनाया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इस तरह से आज मतलब ऑफिशली हमें 4 साल कम्प्लीट हो गए कि दिया ऑफिशली एक प्लेटफॉर्म बन के काम कर रहे हैं। अच्छा आशा, ये बताइएगा डिसेबल पर्सन चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके लिए शादी भी एक चैलेंज होता है, आपकी शादी कब कैसे हुई? मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और मेरी शादी बस नसीब मेरे लिखे हुए थे, टोटली आउट ऑफ फैमिली हुई है, मुझे खुद समझ नहीं आई कैसे मेरी शादी हो गई, कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी भी करूँगी, बस मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद खिदमत खल्क बना लिया था, लेकिन मेरे नसीब में इस बंधन में बंधना लिखा था
तो मेरे इवेंट्स में, मतलब मेरे फादर के जानने वाले थे, सलाम दुआ थी, मेरे इवेंट में आए, वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा और फिर मेरे अब्बू जी से ही उन्होंने मेरा हाथ मांगा और इस तरह से बस मेरी शादी हुई। और मैं यहाँ पे ये मैसेज भी दूंगी कि अगर आपका कोई बच्चा या बच्ची डिसेबल है, यहाँ पे रिश्तों का नॉर्मल लड़कियों और लड़कों के रिश्तों के लिए माँ बाप परेशान हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई वुमेन विद डिसेबिलिटी या मैन विद डिसेबिलिटी है तो आप उसको हंस के कबूल करें, उनसे भी बच्चों की शादियाँ करवाएं, क्योंकि हमें भी उतना ही जीने का हक है जितना आपको है। अगर आप चल फिर सकते हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, और अगर हम चल फिर नहीं सकते तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ने आपको दे के आज़माया और हमसे ले के आज़माया, तो आपसे भी सवाल होगा कि आपने अगर ऐसा बंदा या बंदी आपके सामने था तो आपने उसका कितना ख्याल रखा, आपने उसको कितना अपनाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई फिज़िकल चैलेंज के साथ है और मेंटली वो स्ट्रांग है, फिट है, तो आप उसको अपना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लिहाज से भी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ सपोर्टिव हैं, हर जगह मेरे साथ जाना आना, और घर के कामों में भी मेरी हेल्प कर देते हैं हम दोनों मिलके। मतलब हम दोनों, मेरा नहीं ख्याल कि हम नॉर्मल कपल से ना ज़्यादा डबल ट्रिपल जो हैं हम लोग खुश हैं और बड़े स्मूथली हम लाइफ स्पेंड करें। अगर आपकी घरेलू लाइफ की बात की जाए तो किस तरह से क्या क्या काम आप खुद कर लेती हैं? मैं कुकिंग करती हूँ, और क्योंकि मुझे कुकिंग किसी के हाथ की पसंद नहीं है। बाकी काम ये है कि अगर आप मेड वगैरह भी रखो तो डेफिनेटली जो हाउस होल्डर होती है वो फीमेल ही होती है, तो वो मैनेजमेंट सारी मैं कर लेती हूँ। मुझे पार्टीज़ का बहुत शौक है, मेरे घर में आए दिन कुछ ना कुछ गेट टुगेदर पार्टी वगैरह चल रही होती है, जिसमें कुकिंग मैं खुद करती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, जैसे कि आप बता रही थी कि आप डिसेबल पर्सन्स के लिए काम कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं, ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में जो डिसेबल पर्सन, उनको अभी तक वो कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है जिनकी तरफ अभी तक तवज्जो नहीं दी गई? सबसे बड़ा ही ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा इशू आता है कि अगर हम क्रीम उबर भी यूज़ करें या कोई भी ऐप यूज़ करें, टैक्सी इवन करवाएं, टैक्सी वाला देख के हमें किराया डबल कर लेता है कि इसकी मजबूरी है, इसने तो जाना ही जाना है। अगर ये ऐप्स के ऊपर मैं बात करूं तो अगर हम वो बुक करते हैं तो वो कहते हैं जी ये हम गाड़ियां इंसानों के लिए सामान के लिए नहीं है, ये व्हीलचेयर हमारी टांगे हैं, ये सामान नहीं है, हम इनके बग़ैर अधूरे हैं, तो वो लोग नहीं रखते। तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलावा आ जाती है एसेसिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम एसेस नहीं कर सकते, और उसके साथ ही आ जाती है अटेंडेंट जो है वो नहीं मिलता। ख़ास तौर पे वुमेन विद डिसेबिलिटी को अटेंडेंट का बहुत इशू होता है, क्योंकि जब तक माँ बाप जिंदा हैं वो संभाल लेते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता माँ बाप को कुछ हो जाए तो बहन भाई कब तक संभालते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब शादियाँ हो जाती हैं तो हर कोई कहता है बहन भाई बदल गए हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस मैं खुद देखती हूँ कि बहन भाइयों ने अगर अपनी किसी डिसेबल भाई को या बहन को रखा हुआ है तो इस अगर वो अर्न करे तो उसको खुशी से रखा हुआ है, अगर वो अर्न नहीं करा तो उसको जितने ताने और डीमोटिवेट किया जाता है या बोझ समझा जाता है। तो ये चीज़ है कि हमें अटेंडेंट जो है ना वो हुकूमत को चाहिए कि हमें प्रोवाइड करें एटलीस्ट दिन का कुछ हिस्सा ही, कुछ घंटे अगर एक अटेंडेंट आके एक डिसेबल पर्सन को दे देगा तो उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आशा के हस्बैंड नोमान, तो उनसे पूछते हैं कि ये मोहब्बत की जो दास्तान थी ये कब और कैसे शुरू हुई थी, और वो किस तरह से मतलब आशा के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आज के दौर में एक नॉर्मल लड़की से भी शादी करने के लिए बंदे 100 तरह के वो जवाब पेश करते हैं, सोचते हैं, आपने एक डिसेबल के साथ शादी करने का फ़ैसला किया, कैसे किया था? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया लबकुशाई का। और ये एक इंसान के बस में नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले या किसी से रिश्ता जोड़ ले, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं और अल्लाह ने फ़ैसला किया और ये काम हो गया। और बेसिकली ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी, और दो फैमिलीज़ जब आपस में मिली हैं और हमारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्होंने इस रिश्ते को कबूल किया तो अल्लाह की मदद हो गई। और ये हमारा इसके काम की निस्बत से है कि माशाल्लाह बहुत खिदमत का काम कर रही थी, कुछ अरसे से मैं इनसे मुंसलिक हुआ और मुझे अच्छा लगा कि इस काज में मैं इनका जीवन साथी बन सकूं। तो किस तरह से सपोर्ट करते हैं आप इन्हें? बेसिकली तो खावंद की ज़िम्मेदारी है मेरी, और खावंद चाहता है कि वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, उसको फैसिलिटेट करे, उसकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को हल करे,
और एक जिम्मेदार खावंद की जो भी जिम्मेदारी है वो मैं अदा कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो सर एक मतलब आयशा के साथ मतलब एक डिसेबिलिटी के साथ कबूल करना डेफिनेटली एक मुश्किल था, लेकिन आपने वो किया। उसके बाद आप जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि आप उनकी कदम कदम पे रहनुमाई कर रहे होते हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो क्या मुश्किल पेश आती है कभी? जी मुश्किलात तो ये बहुत मुश्किल कठिन रास्ता है और हर अच्छे नेक मकसद में इंसान को तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसमें ये है कि इसके पेरेंट्स का बहुत हाथ है इस घर को आबाद रखने में, और मेरे भी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी सिस्टर्स हैं और भाई भी और भाभियाँ सब, और इनके भी सारे रिलेटिव्स बहुत सपोर्ट करते हैं, और माशरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया गया है हमारे काम को। और माशाल्लाह ये अवार्ड आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे जो इन्होंने अचीवमेंट हासिल की हैं, और इंशाल्लाह ये अप्रिसिएशन इंशाल्लाह हम हासिल करते रहेंगे और मेरा साथ इंशाल्लाह हमेशा इनके साथ है। सर आयशा को आपने कैसा पाया? आयशा आपसे ज़्यादा मोहब्बत करती है या आप आयशा से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं? अभी ये आजमाइश ऐसे सच आई नहीं है, लेकिन ये है कि जब ये हॉस्पिटल में होती है और बीमार होती है तो वाकई दिल को कुछ कुछ होता है कि अल्लाह पाक सेहत दे जल्द, और इसी तरह अगर मुझे कुछ होता है तो इनके भी ऐसा साथ इसी तरह ही होते हैं, और दिल से ये प्यार करती हैं और मैं भी इंशाल्लाह इनका साथ दूंगा पूरी ज़िंदगी। जी नाज़रीन, कहते हैं कि मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और उनकी ज़िंदा मिसाल आयशा और नुमान की ये जोड़ी है। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम और साफ डिजिटल, इस्लामाबाद।